फूडोपोलिस, आज मैं आप लोगों से मलाई रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये 1 केजी दूध से मैं मलाई रोल बनाऊंगी और उसी से मैं मावा भी बनाऊंगी। और 1 केजी फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसे चढ़ा दिया है मैंने गैस पर उबलने के लिए। और ऊपर का जो मलाई है वो हम लोग निकाल के अलग रख लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग बनाएंगे मावा। और इस दूध को मैं विनीगर से, मतलब कि छेना बनाऊंगी, तो विनीगर 4 टेबल स्पून मैंने लिया था 1 कप पानी में मिक्स करके, और उससे मैंने यहाँ पे छेना बना लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दूध अच्छी तरह से कट चुका है, अब इसका पानी जो है हम लोग निकाल देंगे। और संग संग इसके ऊपर हम लोग डालेंगे नॉर्मल ठंडा पानी, जिससे कि छेने का कुकिंग प्रोसेस जो है रुक जाए, और विनीगर का जो स्मेल है, टेस्ट है, वो भी हम लोगों को निकालना है। तो इसलिए ठंडा पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ठंडा पानी यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो आपका छेना जो है काफ़ी चीवी टाइप्स का बनेगा, तो इसलिए ठंडा पानी ज़रूर डालें। और इस तरीके से आप हैंग करके भी थोड़ी देर तक, मतलब आधा घंटे तक छेना का पानी निकाल सकते हैं, या इस तरीके से स्क्वीज करके भी निकाल सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस मैंने दिखा दिया है। छेने को हम लोग थोड़ी देर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके उसमें मैं डाल रही हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप ये रसगुल्ले का बचा हुआ शुगर सिरप है। यदि आपके पास नहीं हो तो रसगुल्ले के शुगर सिरप के जैसे आप लोग बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है और 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है। कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप मैदा ही डाल दें 3 टेबल स्पून। और सभी को करेंगे हम लोग मिक्स। बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ जस्ट थोड़ा सा, आपने देखा है। और सभी को हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का एक अपना टेस्ट होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। और इसे पेस्ट को हम लोग इवेनली स्प्रेड कर लेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसे भाप में हम लोग 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे ढककर। और 5 से 7 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। देखिए ऊपर का शीट कितना हमारा सूख गया है, ड्राई हो चुका है। और उसे हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट था और उसे हम लोग कटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती, तो इसलिए हमने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि जब हम लोग कटिंग करें तो प्रॉपर शेप में आए। और साइड के जो किनारे हैं उसे हम लोग काट लेंगे, क्योंकि इसे हम लोग बाहर के जैसा लुक देना चाहते हैं इसलिए। और इस टोटल शीट से हमने 6 मिठाई बनाया था। और ये शीट हमारा बनके तैयार हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये मावा जो हमने बना के रखा था, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। मावा को हम लोग इसमें फिल करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार मावा बना सकते हैं। मावा पाउडर दूध से यदि आप बनाते हैं तो उतना भी टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये प्रॉपर मलाई से जब आप मावा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के तैयार होता है। हमारा मलाई रोल बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं। और इस पर हम लोग जो बचे हुए हमारे चाशनी है वो हम लोग डाल देंगे। चाशनी को अच्छी तरह से फैला दे और हमारा मलाई रोल बनके तैयार हो गया है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you.